Help me for 100k subscriber. Help me for 100k subscriber. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं बॉर्डर का प्रिंटर। बॉर्डर का यहां पर DCP 15 का प्रिंटर है। इस प्रिंटर में लाइट प्रिंटिंग प्रॉब्लम का इशू है, यहां पर अच्छी प्रिंट नहीं आ रहा है। तो इस इशू का हम किस तरह से ठीक करते हैं और इसमें क्या क्या होगा और कहाँ कहाँ पे इसको देखना होगा और कौन सा पार्ट का ख़राब होने के बाद और वहाँ पर क्या होने के बाद किस तरह का दिक्कत आता है और प्रॉब्लम आता है, वो सब मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये रहा हमारा प्रिंटर, ये रहा ब्रदर का DCP 15 का प्रिंटर है। इसमें जो इशू है उसका सोल्यूशन किस तरह से किया जाता है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं चेक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरह का प्रॉब्लम है अभी, ठीक है। पावर ऑन करता हूँ, ठीक है, पावर ऑन कर दिया। इस यहाँ पर देखिए पावर यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है, इसको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितने दिन आता है और कितने यहाँ पर प्रॉब्लम है यहाँ पर आप दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका जो टेस्ट पिन होता है उसको मैं दिखाता हूँ किस तरह का निकलता है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह का लाइट प्रिंटिंग का इशू है। ये देखिए ज़्यादा यहाँ पर डार्क नहीं प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हमको क्या करना होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पर क्या करना होता है कि दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट में तो दोस्तों यहाँ पर हम कार्टेज को ही देखेंगे, कार्टेज में कोई दिक्कत है, कोई इशू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहाँ पे देखना होगा मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कार्टेज में अच्छी तरह से यहाँ पर जब इंक फ्लो नहीं होगा, टोनर फ्लो नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा प्रिंटर ने यहाँ पर डिम प्रिंटिंग अंदर जाता है और यहाँ पर टोनर ख़त्म होने के बाद यहाँ पर जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है। यहाँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर बहुत सही से यहाँ पर टोनर आ रहा है क्योंकि एक लेवल है यहाँ पर पूरी तरह से, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम को कहाँ पे देखना होगा कि दोस्तों यहाँ पर इस कंडीशन में जितने भी डस्ट हो रहा है दोस्तों यहाँ पर हमारा जो लेजर यूनिट है वहाँ पर लेजर का जो ग्लास होता है वहाँ पर लग जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो जितने भी उसका इमेज होता है जो ड्रम में आना चाहता आएगा तो वो इमेज क्या होता है कि वहाँ पर रुक जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारा थोड़ी सी यहाँ पर डिम प्रिंटिंग का इशू आ जाता है, ठीक है। तो मैं फटाफट बताता हूँ, इससे पहले यहाँ पर कार्टिज तो लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फटाफट करते हैं कि यहाँ पर हमारा लेजर को क्लीन, ठीक है, किस तरीके आता है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। पावर निकाल दिया और इतने करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो हमारा ये वाला जो साइड है यहाँ पर है उस साइड में ओपन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर हमारा सभी कनेक्टर यहाँ पर होता है और उसके बाद हम इसको निकालेंगे और यहाँ पर और बहुत सारे काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्लाट खोलता हूँ, सभी को ओपन करता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कितने डस्ट है दोस्तों, यहाँ पर कितना गंदा है यहाँ पर हमारा प्रिंटर, ठीक है। ये सभी को यहाँ पर हम क्लीन करने के बाद यहाँ पर हमारा प्रिंटर जो डिम प्रिंटिंग का इशू है वो सारी ठीक हो जाएगा, ठीक है। इतने होने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले निकालता हूँ यहाँ पर इसका सब वायर्स को। तो इतने होने के बाद हमारा ये स्कैनर यूनिट जो हमारा ये स्कैनर यूनिट है वो फर्स्ट निकल जाएगा, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पर निकल चुका है। यहाँ पर एक इसमें इसको भी निकलता हूँ और हमारा लेदर को कहाँ पर क्लीन करना होगा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर डॉट है, ये देखिए यहाँ पर। तो स्कैन जो लेजर इमेज है उसको निकालने के लिए यहाँ पर हम इसको भी ओपन करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर निकल जाता है और यहाँ पर देखिए जैसे किस तरह का डस्ट है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब सब वायर को यहाँ पर डिस्कनेक्ट करते हैं। इसको मैं अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा इसका डिस्कनेक्ट करने की जो कोई ज़रूरत नहीं, और सिंपली इसको निकलता हूँ। ये वायर को भी मैं यहाँ पर जो हमारा पोलर मोटर का है इसको भी यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर डिस्कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर थ्री स्क्रू यहाँ पर होता है, तीन स्क्रू होता है, ठीक है। ये डिस्क यहाँ पर होता है, दो स्क्रू इधर 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 होता है। यहाँ पर कितने डस्ट है मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर और तो मैंने निकाल दिया इसको, और जब बहुत सारी यहाँ पर डस्ट है उस सबको मैं क्लीन करता हूँ। और यहाँ पर लेज़र में डस्ट होने के बाद यहाँ पर किस तरह क्लीन आता है आपको पता चल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने डस्ट है मैं आपको अच्छे तरह से दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो डस्ट ही डस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो लेज़र का जो यहाँ पर ग्लास है यहाँ पर, ये देखिए किस तरह का यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर किस तरह का यहाँ पर डस्ट है, ठीक है। ये देखिए पूरी यहाँ पर डस्ट से भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इस तरह का होता है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरह का है, यहाँ पर इतनी डस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम क्लीन करने के बाद आपको अच्छी यहाँ पर प्रिंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको हम इस तरह से क्लीन करेंगे, ये देखिए क्लीन करने के बाद यहाँ पर किस तरह का दिखा रहा है, ठीक है। और इस सारी जगह इस तरह से हम सभी को इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद यहाँ पर हम इसको रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर
यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको मैं अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद यहाँ पर हम अब इसको करेंगे यहाँ पर फाइनल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से इसको लगा दिया, ठीक है, ये रहा हमारा लेजरनेट। तो अब हम कर देंगे यहाँ पर स्क्रू टाइट, ठीक है। अब करेंगे इसमें यहाँ पर सब कुछ फाइनल। अब हम इसको लगाएंगे, ठीक है। इतने लगने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा ये फ्रंट थोड़ा लग जाएगा, थोड़ी सी इसको भी हम साफ करेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर मैंने जितने भी क्लीन करना था उसको क्लीन कर दिया। और यहाँ पर क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैं अब लगाता हूँ यहाँ पर हमारा स्कैनर यूनिट को, ठीक है। स्कैनर यूनिट लगाने के बाद यहाँ पर साइड वाला कवर पर भी लगा लेता हूँ, ठीक है। पहले इस साइड वाला कवर पर भी लगा लेता हूँ,
वाला साइड को बाद में उस तरफ कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ लगा दिए, हाँ अब हम लगाते हैं ये। थोड़ी सी यहाँ पर स्क्रू को लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर पीछे पीछे नहीं मिलेगा। यहाँ पर देने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम सब कुछ वायर्स को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर सब वायर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब हमारा यहाँ पर रहेगा एक फैन का वायर। फैन होता है कि यहाँ पर हमारा इसमें ही होता है फैन, ठीक है। यहाँ पर ये वायर कनेक्ट करना होगा, ये वायर जब कनेक्ट नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर इरर आ जाएगा, ठीक है। इसे भी यहाँ पर बाद में इसको लगाऊंगा। यहाँ पर हमारा सब कुछ यहाँ पर रेडी हो चुका है, अब हम यहाँ पर करने इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं यहाँ पर सब कुछ कर चुका हूँ, ठीक है। सब कुछ करने के बाद यहाँ पर मैं टेस्ट करता हूँ एक बार, पावर को लगाता हूँ, पावर लगा दिया, ठीक है। पावर लगाने के बाद यहाँ पर मैं पेपर को डालता हूँ, पेपर को डाल दिए। तो अब इसके बाद मैं करूँगा अब यहाँ पर कार्टिज को यहाँ पर डालूंगा, ठीक है। यहाँ पर कार्टिज नहीं है हमारा कार्टिज, लगा देता हूँ। कार्डिस को डाल दिए, कार्डिस डालने के बाद यहाँ पर देखिए और मशीन यहाँ पर रेडी होने लग गए। हमारा मशीन रेडी हो चुका है, मशीन रेडी होने के बाद यहाँ पर मेनू और यहाँ पर हम मशीन इन्फो ओके और यहाँ पर सिंपली यूजर सेटिंग्स को यहाँ पर प्रिंट करेंगे टेस्ट के लिए किस तरह का प्रिंट होता है। यह देखिए दोस्तों बहुत खूबसूरत यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, अच्छी तरह का प्रिंट हो चुका है।
बहुत यहाँ पर डार्क प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ पर क्या आता था कि यहाँ पर डिम और लाइट प्रिंटिंग का इशू था, उस प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका प्रॉब्लम में, आपका प्रिंटर में जब इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, जब यहाँ पर लाइट प्रिंटिंग आएगा, ठीक है, और यहाँ पर डिम प्रिंटिंग का इशू आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले कार्टिज को देखना होगा। कार्टिज अच्छी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अच्छी नहीं है तो वहाँ पर उसका ब्लेड और सफा करना, क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। ब्लेड क्लीन करने के बाद भी नहीं हुआ तो वहाँ पर हमको क्या करना होता है कि लेज़र यूनिट से ही दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो लेज़र यूनिट भी ठीक होता है तो यहाँ पर हमारा सप्लाई से भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारा था कि यहाँ पर लेज़र यूनिट प्रॉब्लम में इस तरह का प्रॉब्लम आता था, वहाँ पर ज़्यादा से डस्ट लगा था, ठीक है। उसको मैं क्लीन कर दिया, उसके बाद यहाँ पर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा फिर अच्छी तरह का मिल चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतने, दोस्तों हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जितने भी हमारा वीडियोस है सभी को लाइक करना, ठीक है, और अपना दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतने, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।